लेटरी डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो क्या सोसाइटी डेवलपमेंट अग्रीमेंट में इसी परफॉर्मेंस बेस्ड मैकेनिज्म पे बना सकती है कि जिससे यू नो अगेन एग्जिट दोनों पार्टीज के लिए इजी हो जाए एंड कितना परफॉर्मेंस हुआ है उसके बेसिस पे ही इवैल्यूएशन हो? हो सकता है उसके अंदर देन आपको फिर क्वांटिफाइड डैमेजेस लिखना है, क्वांटिफाइड पेनल्टी लिखनी है, तो आप पूर्व नियोजित आपको पूरा आर्किटेक्ट दोनों का आर्किटेक्ट बैठ के वर्क परफॉर्मेंस स्टेज वाइज लैब वाइज कितना परसेंटेज यस काम हुआ है, आप इतने परसेंटेज पर रुक गए तो इतनी पेनल्टी लगेगी, इतना खर्चा लग गया है तो इतना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंड हो जाएगा, तो प्लानिंग से आप कर सकते हो, एग्रीमेंट में लिख सकते हो. सो इट इज अ सेल्फ डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद ही पूर्व नियोजित आर्बिट्रेटर अवार्ड देगा 1.5 साल के बाद, उसके पहले ही आप खुद अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अग्रीमेंट में आप लिख रहे हो, तो वो वैलिड है, वो चीज वैलिड है. लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी को कोर्ट में जाने से आप रोक सकते हो. सोसाइटी भी जा सकती है, डेवलपर कॉन्ट्रेक्टर भी जा सकता है, लेकिन फिर ये क्लॉज पढ़ा जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होगा, इंटरेस्ट क्लॉज होगा, तो ये लिखी हुई चीज का बेनिफिट जरूर से मिलेगा. But then why it is not used basically, sir? ये अगर इतना simple format है, and it is self-explanatory and exit, मतलब respectable exit है दोनों के लिए, then why it is not been used up until now? और ये situation अभी क्यों आई ऐसे? What are the reasons why it has not been implemented? जो आज अभी आपने बताया, एक self-explanatory हो कि हर एक stages उसमें described हो, and किसी को आज क्या होता है कि खर्चा किया कुछ 10 लाख रुपया खर्चा किया developer ने, and वो वहाँ पे मांग रहा है 10 करोड़ या 1 करोड़ या 5 करोड़ आर्बिट्रेशन में जाने के बाद, तो देन व्हाई इट इज नॉट बीन डन अप टिल नाउ, अनटिल नाउ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप जैसे बताया आपने, देखो अभी हर एक जन को परिस्थिति का एक भविष्य में क्या होने वाला है उसका सोचनी चाहिए. हर एक डेवलपर ड्राफ्टिंग करने के टाइम आपके वकील सॉलिसिटर को भी सोचना चाहिए. और ये कंसेप्ट फॉरेन के अंदर बहुत प्रचलित है, परदेश के अंदर सेल्फ डिफाइंड डैमेजेस, इट इज कॉल्ड एज ए क्वांटिफाइड डैमेजेस, तो वो प्री डिटरमिंड थिंग्स बहुत है. और अपने यहाँ पे आप जानते हो कि आप लिख सकते हो, लेकिन हर एक स्टेज का 5 लाख अभी उसने बिल्डर ने, आप बोलते हैं 5 लाख का खर्चा किया है, लेकिन उसने 5 लाख का खर्चा नहीं किया होता है, ही हैज स्पेंड इन कैश आल्सो. तो हर एक चीज के अंदर उसका भी प्रोविजन होना चाहिए, तो कर सकते हो. लेकिन ये कंसेप्ट आने में अभी टाइम लगे, या भविष्य के दिन जो अभी का जो माहौल चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है वो स्क्वीज हो चुकी है, सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास सब लोग भाग रहे हैं, 80% बोलते हैं ना उसका, एक इतने उसको निचोल दी गई है, तो उसको रिवाइव करने के लिए सब ये सब क्लॉजेस डालने पड़ेंगे, अच्छे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वकील सॉलिसिटर्स को काम करना है, आर्किटेक्ट का भी सबका रोल है, तो फिर हम बार बार टर्मिनेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सोसाइटी भी सफर होती है. टर्मिनेशन में कोई किसी को आनंद थोड़ी आता है, या बिल्डर को जेल में भेजने से किसी को आनंद आता है, बिल्डिंग बन रहा है नहीं बन रहा है, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाना है, तो उसमें सबका अप्रोच पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होगा तो ही हम आगे बढ़े सकेंगे, ऐसा है.